परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। देखिए भाई साहब, रंगों का अपना एक अलग खेल होता है। किसी को भगवा रंग बहुत प्यारा है, किसी को लाल प्यारा है, किसी को हरा प्यारा है, तो किसी को तीन अलग अलग रंग प्यारे हैं। अब रंग अपने अपने हैं तो अपनी अपनी पार्टी है, अपनी अपनी विचारधारा है। हमने सोचा होली के इस रंग में सारे नेता कैसे दिखते हैं, क्या एक का रंग दूसरे के रंग पे चढ़ता है। अब देखिए ज़िंदगी में भी ऐसे ही झटके लगते हैं जैसे अभी हमें गाड़ी में लगे हैं, थोड़ा ऊँच नीच होती है। लेकिन हमारे मैनेजिंग एडिटर साहब बैठे हैं, शानदार तरीके से होली इन्होंने खेली है। सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं कि नेताओं की होली के बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, क्योंकि जो नेता होते हैं वो भी इंसान होते हैं और हम आम जैसे ही होते हैं। मगर रविंद्र, एक ख़ास बात यह है कि होली तो सबकी एक जैसी होती है, सब अबीर लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं। मगर बड़ा दिलचस्प है जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाते हैं, दफ्तर में जाते हैं, और वहाँ पर जो गुलाल अबीर लगता है और जो पत्रकारों के बीच कहीं ना कुछ बनावटीपन लगता है, लगता है कि ये एक रस्म रिवाज है, इसलिए इसको बनाया जाए। लेकिन सबसे मुश्किल उस पार्टी के लिए है, मैं अपने दर्शकों से भी कहूँगा और रविंद्र आपसे भी, कि जिसकी दिवाला निकल गया पूरे साल में, जिन्होंने कोई इलेक्शन नहीं जीती है जीता है, और उसके बावजूद भी उनको होली मिलाना है, उनको मुस्कुराना है, बड़ा कठिन काम है। और मैं एक बात जरूर कहता हूँ कि नेताओं की जो जीवटता है कहीं हम लोगों से ज़्यादा है, कि वो हर स्थिति में अपने आप को जो है बड़ा सलीके से पेश करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं। जमुना वो होते नहीं हैं, लेकिन निश्चित रूप से दिखाते जरूर हैं वो कि भाई हम इतने संयत हैं, इतने संयमी हैं, और वाणी पर, भाषा पर और मनोभाव पर उनकी बहुत ज़्यादा पकड़ है। तो इस लिहाज से तो ठीक है। एक बात बहुत अच्छी देवनाथ जी ने कही कि कुछ जो लोग हार गए हैं उनका क्या होगा, तो कुछ नहीं। मुझे लग रहा है देव जी, सबसे खास बात यह है जिनके पास रंग नहीं होते वो पानी से होली खेल लेते हैं। ठीक है, पानी से होली खेलने का भी एक अलग मजा है। पानी से हम गाँव में जब छोटे थे तो पानी से भी खेलते थे, गुलाल अबीर सब घोल के कलर भी खेलते थे। लेकिन आप कलर से भी होली खेलने अगर आप हार चुके हैं तो आपकी होली पानी वाली ही है फिलहाल। तो आई रे आई होली, आई रे आई, और कहते क्या रंग बरस भीग चुनर वाली रंग बरसे। हमारे पीछे बंगाली बाबू हाँ हैं, केम छो ऐसी बातें ये करते हैं, इनको बिल्कुल एक रंगे पूते हैं। और ये देखिए हम हल्का फुल्का रंग है अभी हमें, हालांकि बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन बिल्कुल कहना चाहेंगे। देवनाथ जी कुछ कहना चाहेंगे? एक चीज़ और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा, बहुत अजीब है जब आप किसी शहर की तरफ आते हैं गांव से, तो आपको होली का कलर, उसका संवाद, उसकी भाषा, उसकी अदायगी अगर किसी नेता के जरिए देखते हैं तो उसमें कुछ फ़र्क महसूस होगा। एक चीज़ जो सबसे अच्छी ये है कि जब हम होली में जाते हैं तो हम सब कलर में इस तरह से डूब जाते हैं, सब एक ही जैसे दिखते हैं, मगर चेहरों के अंदर और चेहरों के बाहर नकाब की जो एक अपनी अहमियत है वो बिल्कुल बरकरार है। और यही वजह है कि जब हम बात करते हैं होली की और नेताओं की होली की बात करते हैं तो ये ज़रूर कहते हैं कि आज केजरीवाल की होली कुछ और हो जाएगी, शीला दीक्षित की होली कुछ अलग तरीके से मन जाएगी, और मनोज तिवारी की होली का रंग कुछ अलग होगा। तो इस रंगों में जो अनेकता जो आपको दिख रही है वो कहीं ना कहीं आपकी उपलब्धियों के जरिए होके गुजरती हैं, तो ये महत्वपूर्ण सवाल। बहुत शानदार बात आपने कही। अब देखना यह है किस पे नीला, किस पे भगवा, किस पे हरा और किस पे कौन सा रंग चढ़ता नजर आएगा, लेकिन अपने अपने रंग है। और देव जी अभी तो कुछ और भी आप दिखाने वाले हैं, जिस तरह से आपने तैयारियां सारी कर रखी होली की, कवि वगैरह और बहुत सारी। हम लोग सफर पे हैं, हम लोग आज पूरे देश के, मतलब एक तरह से देखा जाए देश के रंगों को, देश की संस्कृति को देखेंगे। अब आगे क्या होने वाला है? रंगों की पहचान ही यही होती है कि उससे आप खुशनुमा एहसास बटोर लीजिए, कुछ अच्छा फील कर लीजिए, कुछ नए तरीके का, नए मिजाज का, और कुछ नया फील कर लीजिए। तो जब हम, रविंद्र ने जैसा कहा कि हम लोग ऑफिस में, अपने दफ्तर में जो हमारा ऑफिस है उसमें कई सारे आयोजन है, एक्सपोज इंडिया के दर्शकों को मिलेगा, वो खुद रविंद्र बहुत सारे कार्यक्रम करेंगे, आपको दिखाएंगे, और अपने नए नए जो इनके पास ढेर सारे हुनर हैं उन सब का प्रयोग करेंगे, और आपको निश्चित रूप से मज़ा आएगा, आनंद आएगा। होली का अपना ही मज़ा है। तो रविंद्र के साथ देखिएगा, अभी कुछ घंटे बाद जो है जब आप ये लाइव होंगे तो आप देखेंगे इनको एक सिंगर के साथ, एक बहुत अच्छे गायक के साथ जो बहुत ही फेमस है यूट्यूब पर, और उनके साथ अभी कुछ घंटों बाद आप रविंद्र को देखेंगे। रविंद्र खुद बताएंगे आपको इस कार्यक्रम के बारे में। बिल्कुल, कार्यक्रम के बारे में बताएंगे, लेकिन हमें आपको ये बता दें कि एक्चुअली मैं एक्टर हमेशा पर्दे पर दिखता है, लेकिन उसका जो सूत्रधार होता है वो हमेशा डायरेक्टर होता है। तो देवनाथ जी के गाइडेंस में हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे और एक्सपोज इंडिया को आगे बढ़ाते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ होंगे एक बहुत प्यारे से गायक, देवनाथ जी कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि रविंद्र की एक खास बात यह है कि अच्छे सिंगर भी हैं और अच्छे प्रस्तोता हैं, अच्छे श्रोता हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है
कि होली का जो इनका रंग है, आपने कुछ दिन पहले, अभी 2-3 दिन पहले एक्सपोज इंडिया के दर्शकों ने बहुत सराहा है, बहुत अच्छा कलर था, बहुत अच्छा रंग था, तो आज जो इनका एक नया रंग आपको अगर देखना है तो जरूर एक्सपोज इंडिया के फेसबुक पेज पर और यूट्यूब पर एक्सपोज इंडिया के जरूर आइएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो बगल में घंटी है उसको जरूर बजा दीजिएगा, क्योंकि एक घंटी जो है आपको एक्सपोज इंडिया वाली जो है वो आपको हमेशा ही इनके कार्यक्रम से रूबरू कराएगी। और हम सब इनको देखते हैं, और हमें भी आप देख सकते हैं, उस पर नायक भी देखिए, उस पर एक अच्छा कार्यक्रम हम करते हैं देशभक्ति से उत्प्रोत। तो इंतजार कीजिए, 1-1.5 घंटे बाद जब आएंगे तो आपको एक नए सिंगर के साथ मिलेंगे। नमस्कार। बिल्कुल नमस्कार, देव जी की तरफ से हुई लेकिन अभी हमारी तरफ से नहीं हुई। देखिए आप ये जो पसीना देख रहे हैं, दरअसल ये पसीना नहीं है, जो रंग आप लेकर आएंगे हमारे ऑफिस में, जो रंग मौजूद है इस पसीने में मिल जाएगा। उसके बाद हम दोनों की, देव जी की मार्गदर्शन में, और हम लोगों की सब जो मेहनत अगर रंग लाएगी, और निश्चित तौर पर देव जी का यही प्रयास है और हमारे जो ओनर उनका यही प्रयास है कि लगातार एक्सपोज इंडिया आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे। क्यों देव जी, हम ये सही कहें, एक अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो दुनिया भर में देखा जा रहा है, और ये आंकड़े बहुत खुश करने वाले, खासकर इस होली पर जो आए हैं वो हमारे लिए, अब तक हमारे करोड़ों दर्शक हो चुके हैं, और इन करोड़ों दर्शकों ने जो हमें प्यार दिया, स्नेह दिया है, और हमें जो प्रोत्साहन दिया है, मेल बॉक्स तो आपका मुझे लग रहा भर गया पूरा। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, और सबसे बड़ी बात यह कि फेसबुक पर भी हम लोगों को बहुत सारे दर्शकों ने फॉलो किया है, देखा है और लिखा है, कमेंट दिया है। मैं उन सभी दर्शकों को धन्यवाद कहता हूँ और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। कुछ न कुछ नया लेकर आते रहेंगे, मेरी तरफ से तो यही कहना। बिल्कुल, और साफ तौर पर हम कोशिश यही है हमारी कि आपकी उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरे। तो आप जुड़े रहिए एक्सपोज इंडिया के साथ, क्योंकि होली के इस मौके पर उड़दंग तो हमारा भी बनता है। हम भले ही मीडिया में हों लेकिन रंग तो हमारा भी जमता है। तो कैमरामैन हल्दर के साथ रविंद्र सिंह, एक्सपोज इंडिया, बाय बाय, कुछ देर बाद फिर मिलते हैं। और हाँ, हमारे साथ एक तरफ मैं कहूँगा कि हल्दर थोड़ा सा इधर घुमा दें भाई, हमारे सारथी जो हमारे साथ चल रहे हैं, इरशाद कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी कनम होली त्यौहार है, बड़े कनम अवसर से मनाया जाए और खुशियों से मनाया जाए, और जो भी गिले शिकवे इंसान के दिल में वो भुला दिए जाए। हाँ, एक चीज़ मैं और जरूर कहूँगा अपने दर्शकों के लिए कि देखिए हमने बेल्ट लगा रखी है, और ये बहुत ज़रूरी है सबके लिए, एक मैसेज है कि जब भी आप गाड़ी चला रहे हो तो बेल्ट जरूर लगाएं। देखिए हमने बेल्ट लगाई हुई है, और क्योंकि सुरक्षित यात्रा, सही यात्रा, सुखमय यात्रा हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, तो बेल्ट लगा के जरूर यात्रा करें। यानी सड़क पर जब आप चलें तो साहब नियमों का ध्यान रखें, और देश हो या विदेश अपनी संस्कृति का ध्यान रखें, और अगर आप YouTube पे हैं तो एक्सपोज इंडिया का याद रखें, उसका ध्यान रखें। फिलहाल हम चलते हैं आगे एक कदम और देखते हैं क्या कुछ खास है आपके लिए। बाय बाय। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारतीय, एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।